वेलकम बैक। आज मैं बात करने वाला था जिन्ना पिन्ना जैसे आदमी के बारे में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जिन्ना पिन्ना के बारे में बात करके अपने चैनल का रेपुटेशन क्यों खराब करें, क्यों आती बात? बिल्कुल सही बात है। वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारे देश में पॉलिटिशियन जो नेता लोग जो हैं वो जिन्ना पिन्ना जैसे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ भसड़ पेल ही देते हैं। देखो, जब कोई मुझसे आकर पूछता है, वैसे पूछता तो नहीं है आके, लेकिन फिर भी जब कोई पूछ लेता है दो चार लोग कि आपको टीवी में सबसे ज्यादा फनी सीन, फनी प्रोग्राम कौन सा लगता है, तो मेरे को दो ही चीज नाम याद आता है। एक तो ये हो गए साहब, और दूसरा हो गए पाकिस्तान के चूतिया रिपोर्टर। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। वैसे इन भाई साहब से तो मुलाकात होती रहेगी, इनसे मुलाकात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज हम खोजबीन के लाए हैं जिन्ना जैसे निचले स्तर के इंसान, पाकिस्तानी रिपोर्टर को। तो आइए देखते हैं फिर। आप आइए बुजुर्ग, आप आइए। कोई मसला होता है मार्केट में आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? कौन और हमने जो है ना हत्थी बोर्ड लगाई, मन के हत्थी लगाई। वैसे बुड्ढों की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमने जो है ना हत्थी बोर्ड लगाई, मन के हत्थी हमने जो है ना हत्थी बोर्ड लगाई, मन के हत्थी लगाई। ये उन पाकिस्तानी बावले बुड्ढे में से हैं जिनको आज भी चैन नहीं है, इनसे खाने के लिए रोटी नहीं तोड़ी जाती, लेकिन ये अभी हत्थी बोर्ड लगाई। इनमें हौसीपन और ढरकीपन कूट कूट के भरा हुआ है। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। और आपके मम्मी मुझे चूस रहे हैं। ये वही पाकिस्तानी हौसी राम रहीम और आशा राम की चेली हैं, जो सुबह के लेने के बाद ये बोलती हैं। और पहाड़ का लेने के बाद बोलती हैं। और जब शाम का लेती हैं तो ये टीवी पे आके ऐसा प्रोग्राम करती हैं। फिर कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बताइए नाम क्या आपका? मेरा नाम अरबाब है। ओके, फरमाए। नहीं कुछ नहीं है, आपका आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है, अगर आप गायब हो सकते तो आप क्या करते हैं? आप मारता। अब हम लोग नजर डालते हैं थोड़ा पाकिस्तान के धुआंधार रिपोर्टर पे। क्या दिलाने लाहौर सड़कों पर निकल आए हैं इन लड़कों का ये आप बताएं क्या कहते हैं? बारिश आपको कैसा लगा? बारिश में ऐसा फील हो रहा था कि हम नीचे शॉप पे बैठे हुए थे, और जब पता चला कि बाहर इतनी औसम मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हम अपनी शॉप छोड़ के नीचे से फौरन बारिश में नहाने आ गए। आपको कैसा लग रहा है? एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंग में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन, उर्दू में क्या बोलेंगे? कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोछती हूँ। वैसे दूसरे देशों में अगर कैमरे के सामने कोई आ जाता है तो रिपोर्टर का ये रिएक्शन होता है। Et on pourra remettre le tout à une semaine plus tard. C'est tellement fin. Je reçois de l'amour comme ça, bien gratis, ça a réussi. Aur agar Pakistan mein koi camera ke samne aa jata hai to unke reporter ka ye reaction hota hai. Cameraman Shahbaz Rashid ke sath Nazir Bhatti, Airway News, Lahore. Kya itna bura? Aba hatta bahut tak. Meri maa. तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम भी कम मिल पा रहा है, तो इसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन वीडियो कुछ दिनों बाद आएगा, जरूर आएगा, बहुत जल्दी वीडियो आएगा और अच्छी क्वालिटी का वीडियो आएगा। तो देखने के लिए छोटी सी वीडियो को बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी वीडियो की। थैंक्स, बाय बाय। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, ऑटो से तुम्हारे ड्रोन गलती से सड़क पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं। उस वक्त से डरो, याद रखो, अगर किसी दिन सरहद उबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान, हर लंका ढा दी जाएगी। वाह, क्या शेर सुनाया। I have you now.